तो एक मखदूम मोहिद्दीन जो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े शायर थे हैदराबाद के, उन्होंने एक बात कही थी, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। तो सारे जमाना को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, सारे लोगों को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए मैं इसमें हिस्सा लेना, आपसे आपको मिलना, आपका दर्शन लेना, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो ये हमारा जो सारे जमाने को लोगों को साथ लेकर चलना, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जब कभी भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये बीजेपी वालों को क्या होता मुझे मालूम नहीं। वो हमेशा हर बात को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। राहुल जी चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तब उन्होंने ऐसा उठाया सवाल, बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के होम मिनिस्टर, सभी लोग, कि उन्होंने ये शुरू किया कि राहुल जी देश तोड़ने का और देशभक्ति का, उन्होंने उनके पास देशभक्ति के लिए और जवानों के लिए कोई उनके पास श्रद्धा नहीं है उनके लिए, और वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।